और जो लोग ये कहते हैं ना कि बिहार में क्या बा, तो हई देख ला, बिहार में आइकन प्लाजा बा। वेलकम बैक इन आवर न्यू ब्लॉग, और फिर से आपका दोस्त सुहेल आजमी आपके साथ है। और गाइज, आज का जो ब्लॉग है बहुत ही इंफॉर्मेटिव ब्लॉग है, बिकॉज अपने शहर मुजफ्फरपुर में बन रहा है बिहार का बिगेस्ट मॉल। जी हाँ, बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है अपने शहर मुजफ्फरपुर में, नॉर्थ बिहार का बिगेस्ट मॉल बन रहा है। आप पीछे मुझे देख सकते हैं आइकन प्लाजा, जो कि बहुत बड़ा है, और आइकन रेसिडेंसी का यही यूनिट है, आइकन रेसिडेंसी के ठीक बगल में ही बन रहा है। और लोकेशन की बात करें तो ये है अपने शहर मुजफ्फरपुर के गुबरसही रोड में, और बहुत ही बड़ा है ये। और इसका मैं बताऊं तो ये 9th फ्लोर में इसका पूरा बिल्ड किया गया है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं, ऐसे ब्रांड है जो कि अभी तक अपने पूरे नॉर्थ बिहार में कहीं नहीं है, वो सारे के सारे यहाँ पे होने वाले हैं। सो चलिए पहले यहाँ का व्यू दिखाते हैं और फिर इसके बारे में और भी डिटेल जानकारी देते हैं आप। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो कि अभी तक पूरे नॉर्थ बिहार में कहीं नहीं थे, वो यहाँ पे लगने वाले, जैसे पैंटलून्स हो गया, क्रोमा हो गया, उधर पीवीआर सिनेमा है, ट्रेंड है, और उधर और भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड है, वुडलैंड है, जूडियो है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड के यहाँ पे शॉप होंगे और कलेक्शन होंगे, शोरूम होंगे, तो इन सब का मज़ा ले पाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई रेंट पे लेना चाहते हैं, कोई यहाँ पे शॉप या फिर शोरूम खोलना चाहते हैं, उसके लिए भी अवेलेबल है। देख सकते हैं मुजफ्फरपुर लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल, क्योंकि नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा मॉल है ये, और ये 9th फ्लोर में आप देख सकते हैं, इतना बड़ा है कि वाइड एंगल में भी ये नहीं आ रहा है। सो गाइज, इस तरीके का पूरा ये है सेटअप है, और वो आगे भी देख सकते हैं बहुत ही लंबे चौड़े एरिया में बनाया गया है, दैट्स वाई इसे बिहार का सबसे बड़ा मॉल जो कि मुजफ्फरपुर में बन रहा है, इसलिए इसको कहा जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा मॉल है। और इधर भी देखिए अभी बहुत सारा भी काम चल रहा है, और पूरा फिनिशिंग लुक दिया जा रहा है, और अंदर तो जाना अलाउड नहीं है, नहीं तो अंदर जाके दिखाया जाता। और ये होप किया जा रहा है 2014 में, यानी नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। के अभी गेट को क्लोज किया गया है, बिकॉज किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं है। और अंदर में आप देख सकते हैं इस साइड में गार्डनिंग का काम हो रहा है, और बहुत बड़ा एरिया है, और पार्किंग की भी अच्छी फैसिलिटी होगी, और काफ़ी कुछ सुविधा होने वाली है। और वैसे वैसे ब्रांड्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, जिसका आप लुत्फ ले पाएंगे, जो कि अभी पूरे मुजफ्फरपुर के पूरे बिहार में शायद नहीं होगा। और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पे होने वाला, काफ़ी स्पेसियस है, बिल्कुल ये NH से बिल्कुल सटे हुए हैं, गुबरसही रोड पे ही है, और ये दूर से ही दिख जाता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अभी बना हुआ है अपने शहर मुजफ्फरपुर में। और कुछ इस तरीके का नज़ारा है, अभी देख सकते हैं इधर भी पूरा आगे का जो फ्रंट का जो फेसिंग है, इसका अभी काम चल रहा है। तो गाइस, शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और ये है एक ये था एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सा ब्लॉग, सो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर करिए, मुजफ्फरपुर वालों के साथ ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में इस वीडियो को फैला दीजिए कि अपने शहर मुजफ्फरपुर में इस तरीके का मॉल बन गया, जो कि नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा मॉल है। जो लोग ये कहते हैं ना बिहार में क्या है, तो ये देखिए बिहार में ये है। जी हाँ, ये बिहार का नाम रोशन करने वाला आइकन प्लाजा, जो कि अपने शहर मुजफ्फरपुर में बिगेस्ट मॉल नॉर्थ बिहार का बनकर रेडी हो चुका है, और ये बस 2-3 महीने में जनवरी फरवरी तक ये ओपन हो जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं ना कि बिहार में का बा, तो हई देख ला, बिहार में आइकन प्लाजा बा। तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल पे बने रहें, एंड आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग, इफ यू लाइक देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।